तुझ पावन हितकारी, मंगल मूरत तुम उपकारी, शिव शंकर की राज दुलारे। शुभ और लाभ को देने वाले, संकट सबके हरने वाले, भव से पार लगाने वाले, शीश नवा आरती को गाई, चालीस अघा मुक्ति फल पाई, मोदक का हम भोग लगाए, पावन इनकी जन्म कहानी, वेद पुराणों ने जो बखानी, आओ भक्तों तुम्हें सुनाए, श्री गणपति के नाम का भक्तों धर लो तप में थे बैठे, शिव गण अपना काज थे करते, माँ गौरा ने मन में सोचा, जया विजया को साथ में लीना, नंदी को आदेश था दीना, शिव जी जब तंद्रा में आए, सखियों संग थी महल में आ, सखियां तन उबटन थी लगाई, जया के मन में प्रश्न था आया, हम तीनों हैं महल के भीतर, पहरे पर ना कोई बाहर, क्या हो कोई भीतर आ जाए, सखी हो जाए, वेद पुराणों ने गाई है गणपत कथा महा, तन को तारा, मानव का कार्य था दीन्हा, पुतले ने जीवन था पाया, हष्ट पुष्ट बालक बन आया, माँ ने हाथ में दंड थमाया, आदेश सुनाया, जाओ बाहर द्वार पे जाओ, द्वार पे जाकर पहरा लगाओ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, भीतर आने न पाए, बालक ने फिर शीश नवाया, हाथों में था दंड उठाया, द्वार पे जाकर जा वो बैठा, पहरा था देता, आगे क्या होने वाला भक्तों हम अनजान, श्री गणेश की कृपा करे ये है कृपा निधान, शिव जी की तंद्रा आई, गौरा कहीं न दई दिखाई, नंदी ने संदेश सुनाया, मैया बतलाया, शिव ने सोचा महल में जाऊं, गौरा से वही मिलकर आऊं, नाना ग्रह के द्वार पे पहुंचे, बालक से परिचय जो पूछा, माँ का लाल हूँ बालक बोला,
भीतर आज्ञा नहीं है, मैया का आदेश यही है। सुन शिव जी है रथ में आए, विषय में सब बतलाए। सुन बालक की बात को, शिव जी थी हैरान। देख रहे बालक को वो होकर के परेशान। फिर क्रोध में आए, हाथों में त्रिशूल उठाए, बालक की गर्दन पर मारा, सिर को धड़ से उखाड़ा। बालक की दी चीख सुनाई, मैया महल से बाहर आई। बालक को जब मृत था पाया, मैया ने फिर रुदन मचाया। मेरे लाल को जीवित करना, सृष्टि नष्ट करूंगी। प्राणी का शीश ले आओ, गज बालक का शीश ले आए, धड़ से जुड़वाए। प्राण मंत्र जैसी ही फूका, बालक जीवित होठ बैठा। जय जय कारे गूंजने लागे, में लेते लागे। मैया ने भारी लाड लड़ाया, शिव जी ने गोदी बिठलाया। सभी दर्शन को आए, संग में अनुपम भेंट लाए। कौन कौन दर्शन को आए, भक्तों तुम्हें बताए। तीन लोक ही कर रहे गणपत का गुणगान, जिसने पावन दर्श किया हो गया फिर कल्याण। सुदर्शन गणपत पाए, लक्ष्मी ने धन धान था दीना, सब नाम था दीना। इंद्र और इंद्राणी आए, ऐरावत गणपत को थमाए। और वज की शक्ति दीनी, अग्नि वायु हिमाचल आए, गणपत चरण में शीश नवाए। अपनी दीन है श्री गणपत के जन्म से झूम रहा कैलाश, चरणों में है नमन करे धरती और आकाश। देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो
गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम। नंदी भिंगी थाल बजाए, शिवगण सारे मोद मनाए, देवी देव जयकारे लाए, शिव ने प्रथम पूज बनवाया, प्रेम से शीश पे हाथ फिराया, माँ गौरा तो लाड लड़ाए, जन्म दिवस तुम्हारा है मनाते, झूम झूम कर तुम्हें मनाते, देवा की जयकार लगाते, आरती और चालीसा गाते, मोदक का तुम्हें भोग लगाते, चंदन तिलक से तुम्हें मनाते, भानु दुलारी। श्री राधे कान्हा की प्यारी, से नैया पार है करनी, राधा नाम परम सुख धाम, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ जपे सृष्टि सारी, गूंज रहा सृष्टि में नाम, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ वृषभानु की राज दुलारी, कीर्तिदा की राजकुमारी, लाड़ लड़ाए सुबह शाम, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ रूपशील आनंद परम राधा, इस सृष्टि का मरम है, राधा नाम मुक्ति का धाम, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। हो करुणा की यह अमृत धारा, सारे सृष्टि को है तारा, पार लगाना आपका काम, राधे रानी तुम्हें प्रणाम।
के स्वामी श्री राधा सब अंतर्यामी साजे हो तीन लोक में डंका बाजे चंदा और सितारे श्री राधे का नाम उचारे हो पूरण करती सबकी आशा है अर्पण बिन आधे अधूरे श्याम राधे रानी तुम्हें प्रणाम हो राधा रसिकों की है प्यारी हो राधा है की दुलारी डाल डाल जपती है नाम राधे रानी तुम्हें प्रणाम हो वृंदावन की डाली डाली राधा नाम की है मतवाली पात पात रहे झूम तमाम राधे रानी तुम्हें प्रणाम हो कुंज गलिन तेरा नाम पुकारे कोई राधे राधे उचारे दुख संकट मिटते हैं तमाम राधे रानी तुम्हें प्रणाम हो जिसने राधा नाम को गाया मोक्ष परम पद उसने पाया
धारा। नाम जपूं मैं बारंबारा, उसने मोहन श्याम को पाया। कृपा मैं पाऊं राधे नाम लो सुबह शाम, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ विहारिणी श्याम आधारा, अमित बोध मंगल दातारा। संग ललिता दिक है सखिया, ओ यमुना तीरे करती बतिया। राधा रानी हो दिन कर कन्या कुल विहारिणी। रात दिना बस तुम्हें मनावे। एक राधा का नाम सुनाए, राधा नाम मुरली गीता, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ प्रेम स्वरूपा तुम सुकुमारी, श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी कोटि रतिका, राधे रानी तुम्हें प्रणाम।
सकल सुख सारा। ओ रसिकन जीवन प्राण आधारा, दुख नाशिनी राधे। हाथ मेरा तुम लेना था, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। कृष्ण है, कृष्ण है राधा, ओ एक रूप तो प्रीति अगाधा। मंगल मूल न सावन, ओ विविध ताप हर हरि मन भावन। तिलक ने महिमा गाई, राधे रानी रहना सहाई। जय गणेश गणपति सुखकारी, अपरंपार है महिमा तुम्हारी। में पूजित शिव के दुलारे, माता गौरा के तुम प्यारे। सब देवों ने तुमको पूजा, तुम सा कोई देव न दूजा। विष्णु और
धरे तुम्हरा विघ्नेशा। तुम दाता सबके तुम हो भाग्य विधाता। वेश तुम्हारा है अति प्यारा। विनायक मंगलकारी भक्तों के हो तुम सुखकारी। सिर सोने का मुकुट विराजे शंख गदा और पुस्तक साजे। जब जो तुमको हर पल ध्यावे सुख वो सकल जीवन में पावे। कथा तुमको ये सुनाए एक दंता क्यों प्रभु कहलाए। बचपन में ऋषियों को सताते करके शरारत ये दिखलाते। गन थे शंकर एक दिन ओ परशुराम तब आए पर्वत पर। ओ
उनको समझाते हो। परशुराम कुछ समझ न पाते, बोले मिल कर ही जाऊं, ओ ना जो मिले तो घर नहीं जाऊं। अगर ये मिलन न होगा, युद्ध तुम्हें फिर करना होगा। भयंकर हुआ रे परस पर, किए बार गणपति ने निष्फल। परशुराम ने फरसा फेंका, विघ्नेश्वर का दंत था टूटा। क्षमायाचना करते ऋषिवर, लंबोदर ने पाया तब वर। कथा ऐसी भी आती, इसी नाम की महिमा बताती। कार्यभार गणपति को सौंपा, लिखते जाओ जो मैं कहता। भारत तब वो रचते थे, लिखते लिखते ना थकते थे।
ही उनकी। ओ रुक गई गति तब उस लेखन की, नहीं छोड़ा। ओ गणपत ने एक दांत को तोड़ा, भारत की कर दी रचना, अद्भुत कार्य की सजग कल्पना। ऋषिवर मुनि जन तब वहां आए, देवों ने तब सुमन चढ़ाए। भोग है इनको भाता, जो भी चढ़ाता सब सुख पाता। विनायक मंगलकारी, महिमा जग में जिनकी भारी, दंता की गाए जो महिमा। ओ बढ़ती जग में उनकी गरिमा, चरणों में शीश नवालो। ओ पूजन कर सारा सुख पालो, से जो ऊर्जा पाई गणपति महिमा तब ही लिखाई।
परमेश्वर की महिमा गालो। लंबोदर से खुशियां पालो, रहना सहाई। सुख करता है सुख धाम, सबसे पावन तेरा नाम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिथजम्बुफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। हम श्री गणेश के जन्म की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हाँ माने जाते हैं। हम श्री गणेश के जन्म की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी माने जाते हैं, हाँ माने जाते हैं। पावन है भक्तों श्री गणेश की जन्म कथा, सुनने मात्र से ही जिसको है पुण्य बड़ा मिलता। विघ्न विनाशक कहते इनको रिद्धि सिद्धि के दाता, सब देवों में प्रथम पूजनीय इन्हीं को माना जाता। इनके सिमरन बिना काम कोई सफल नहीं हो पाए, विघ्न और बाधाओं को गणपति ही दूर हटाए। थोड़े से ही सिमरन से ही ये हो जाते प्रसन्न, गौरा माने श्री गणेश को कैसे किया उत्पन्न। उसी कथा का वर्णन हम यहाँ करना चाहते हैं। जाए हैं और पर्वत कैलाश के ऊपर चले वो आए हैं, भोलेनाथ तो अपनी तपस्या में फिर हुए मगन, नंदी है सेवक उनके और अनेकों ही शिवगण। शिवगण तो कैलाश के ऊपर यहाँ वहाँ आए जाए, गौरा माँ की कंदरा में भी
कभी कभी चले आए। गौरा माँ की तपस्या में भी कभी भंग पड़ जाता। एक दिन बैठ के लगी सोचने भक्तों गौरा माता, बड़े ही हैं नादान ये तो कुछ समझ न पाते हैं। द्वार पे नहीं था किंतु कोई भी दरबार। सोच रही है गौरा माँ कोई शिवगण ना आ जाए, क्योंकि है नादान बड़े ही समझा नहीं पाए। इतना सोच गौरा माँ ने अपना उबटन छुड़वाया, और उसी उबटन से माँ ने पुतला एक बनाया। करने लगी है गौरा माता फिर तो शिव का ध्यान, अपनी शक्ति से पुतले में फूंक दिए हैं प्राण। उठ करके वो माँ गौरा को शीश झुकाते हैं। गौरा से लगा है ये कहने, धन्य है गौरा माता आपने मुझे जो बना दिया। मुझे बनाने का प्रयोजन माते बताओ क्या, बन के ही सदा सेवक आपका माता मैं रहूंगा। जो भी आज्ञा दोगी उसका पालन मैं करूंगा। कहने लगी माता जाना है करने मुझको स्नान, कंदरा द्वार पे नहीं विनायक किंतु कोई दरबार। बड़े भोले हैं शिवगण कभी भी आते जाते हैं। कर तुम दरबार कोई न भीतर आने पाए इतना रखना ध्यान। कर के शान मैं वापस जब तक लौट के ना भीतर कोई न आने पाए जब तक मैं न बताऊं। हाथ जोड़ कर बोले विनायक जैसी आपकी आज्ञा, आपके इस आदेश की माता होगी नहीं अवज्ञा। ये सुनकर निश्चिंत बड़ी ही गौरा माता हुई है, और स्नान करने को माता भक्तों चली गई है। तब विनायक पहरेदार बन बैठ ही जाते हैं। प्रथम पूजनी श्री गणेश जी माने जाते हैं, हम
चली गई है स्नान को उन्हें पहरे पे बिठा कर। चौकन्ना हो बैठे विनायक अपना ध्यान लगा कर। जाने से पहले माता गौरा ने जो समझाया, सोच रहे हैं विनायक माँ गौरा ने मुझे बनाया। हर एक हाल में इनकी आज्ञा पालन की जाए, पहरे पर बैठा जब तक कोई भीतर ना जा पाए। काक दृष्टि बको ध्यान अब गणपति बैठ गए हैं लगाए, वायु भी उनकी आज्ञा बिना भीतर ना आए। इतने में पर भोलेनाथ स्वयं आ जाते हैं। के जो देखा कौन ये अनजाना बालक जाने पहरे पर बैठा। कंध रखे भीतर भोले जो लगे प्रवेश है करने, सामने आकर खड़े हो गए लगे विनायक कहने। आप कौन हैं बाबा पहले कृपा करके बताइए, है आदेश मेरी माता का भीतर आप न जाइए। भोलेनाथ ने भी उनसे तो प्रश्न है यही किया, कौन कहाँ से आए बालक और नाम है क्या। अपना परिचय फिर तो विनायक उन्हें बताते हैं। मुझे बनाया और दरबान बनाकर बाबा पहरे पर है बिठाया, है आदेश यही उनका कोई भीतर ना पाए। आपसे भी विनती है भीतर आप भी ना जाए। भोलेनाथ ये बोले हम हैं स्वामी गौरा के, भीतर जाने से कोई ना हमको है रोक सके। भोलेनाथ की बात विनायक किंतु नहीं माने, बोल रहे बाबा मैं आपको भीतर ना दूं जाने। रोक के द्वार कंदरा का वो खड़े हो जाते हैं। जिद पर बड़े विनायक कुछ भी समझ नहीं आया। भोलेनाथ ने नंदी को फिर कहा है बुलवा कर, हटाओ इस बालक को। नंदी अड़ गया ये जिद पर। नंदी ने भी विनायक को पहले तो
समझाया, किंतु बात नहीं माने तो उन्हें क्रोध बढ़ाया। बलपूर्वक नंदी ने उन्हें हटाना चाहा है, तनिक भी बालक अपनी जगह से हिल नहीं पाया है। क्रोधित होकर नंदी युद्ध मुद्रा में आते हैं, किंतु नंदी ने लगा ली ताकत सारी। युद्ध में भी नंदी उनको तो हरा नहीं पाए, सारे शिवगण एकत्रित होकर के फिर आए। सबने मिल करके भी अपनी शक्ति लगाई है, शिवगणों की शक्ति भी किंतु काम न आई है। इतना देख देवतागण भी होने लगे परेशान, आखिर बालक भोले की क्यों बात रहा नहीं मान। सहायता करने को नंदी की सब चल जाते हैं, से विनायक को कोई हिला नहीं पाया। देवराज इंद्र भी सोच के हुए बड़े परेशान, यूं तो देखने में लगता है ये बालक नादान। सारा ही बल अपना हम देवों ने लगा लिया, इस बालक में इतनी शक्ति कुछ ना असर हुआ। सभी देवता मिलकर भी उन्हें हटा नहीं पाए, भोलेनाथ की शरण में आखिर देवता हैं आए। भोलेनाथ ये सुन कर के क्रोधित हो जाते हैं, की गर्दन को ही है जिसने काट गिराया। करके स्नान इतने में गौरा माता आई है, अपने पुत्र विनायक की बस धड़ ही पाई है। देखा मूर्छित पड़ा धरा पर उन्हें जो गौरा माने, अपने पुत्र को देख के माता लगी है रुदन मचाने। बोली अनर्थ है स्वामी आपने ये क्यों कर दिया है, मुझे बताओ स्वामी इस बालक की गलती क्या है। बात नहीं मानी मेरी भोलेनाथ बताते हैं,
भीतर वाले ना इसने मुझे दिया। नंदी और शिव गणों कभी तो माना नहीं कहा, बात नहीं माना तो मैंने शीस ही काट गिराया। कहने लगी गोरा इसने मेरी आज्ञा को निभाया। मैंने ही तो स्वामी इसको ये आदेश दिया था, मुझे बताओ इसमें विनायक की गलती है क्या। कर दो जिंदा मेरे पुत्र को वापस शीश लगाओ। कहने लगे माता से भोले व्यर्थ ना सुबहाओ। शीश हो गया खंडित भोले नाथ बताते हैं। फिर से कहा, पुत्र मेरा है भोलेनाथ जो जीवित नहीं हुआ। अपने पुत्र के बिना नाथ मैं रह नहीं पाऊंगी। पुत्र पकड़ के याद सदा ही आंसू बहाऊंगी। भोलेनाथ ये कहने लगे ये संभव नहीं कदापि। खंडित हो गया शीश है इसका जुड़ ना पाए कभी। इतना सुनकर माता भी तो क्रोध लगी है करने। देख क्रोध माता का सारे देव लगे डरने। करो उपाय भोलेनाथ कुछ उन्हें मनाते हैं। किसी बालक का शीश यदि लेके कोई आया, जिस बालक से उसकी माता सोई पीठ फिराए, उस बालक का शीश आज ही यदि कहीं मिल जाए। उस बालक का शीश विनायक को मैं लगा दूंगा। संभव हुआ तो इसे अभी मैं जीवित कर दूंगा। गए खोजने देव सभी उन्हें एक हथनी पाई है। सोई हुई अपने बालक से पीठ घुमाई है। हथनी के बालक का शीश विष्णु जी लाते हैं। गाया है नाम गजानन उस दिन से इनका कहलाया है। माता पिता के चरणों में उठ करके किया नमन है।
जीवित देख विनायक को माँ हुई बड़ी प्रसन्न है। सभी देवता मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाए। सब देवों में पहले पूजा इसलिए की जाए। भोलेनाथ और माता ने उन्हें खुद वरदान दिया। श्री गणेश के जन्म की पूर्ण हुई भक्तों ये कथा। जो कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो माफी चाहते हैं।